क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, किस ऐप के थ्रू मैं ट्रेडिंग करता हूँ क्रिप्टो करेंसी में, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आ गया है। एंड आप लोग काफी डिमांड कर रहे थे कि एक क्रिप्टो करेंसी का बाइनेंस जो ऐप होता है जिसमें हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, उसका एक पूरा ट्यूटोरियल बना दो कि हम लोग कैसे डिपॉजिट करते हैं, कैसे विड्रॉल करते हैं, फ्यूचर में मार्जिन कैसे ऐड करते हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। वीडियो लंबा होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए, एंड वीडियो काफी लंबा है तो पूरा लास्ट तक देखना, नोट्स बनाना एंड 3 से 4 बार वीडियो को देखना ताकि आपको बार बार समझ में आ जाए। ओके, सो वीडियो में चलते हैं। एंड अगर नए हो चैनल में, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बाइनेंस का इंटरफेस क्या होता है। ओके, इसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, P2P क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सो यहाँ पर पहले हम होम स्क्रीन के बारे में देख लेते हैं। ओके, एंड जितना आप लोगों को काम होगा ट्रेडिंग करने के लिए बस उतना ही इंटरफेस समझाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो किसी और वीडियो में फिर और इस बात करेंगे। बस इस वीडियो में आपको स्पेसिफिक पूरा ट्रेडिंग के ऊपर बताऊंगा कि ट्रेडिंग में आप कैसे करते हैं। ओके, तो जो आप लोगों का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हम लोग होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन में देखो पहली चीज़ आती है आपका, ये नीचे दिख रहा होगा होम, यहाँ पर भी मार्केट दिख रहा होगा, इसके बाद आपको दिख रहा होगा ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा होगा, फिर आपको दिख रहा होगा फ्यूचर का ऑप्शन, इसके बाद वॉलेट का ऑप्शन देख रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक बात कर लेते हैं हम, एक एक चीज़ का मतलब क्या होता है। देखो होम में जस्ट आपको ऐसे दिखता है इंटरफेस। ओके, इसके बाद आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस दिखता है। ऊपर यहाँ पर आ जाता है फेवरेट का ऑप्शन, स्पॉट का ऑप्शन, फ्यूचर का ऑप्शन, फिर जोन्स का ऑप्शन। ओके, अब मैं बात करूँगा केवल ट्रेडिंग के रिलेटेड कि ट्रेडिंग रिलेटेड अपने को क्या काम होता है। अब यहाँ पर आप जैसे जाओगे फेवरेट ऑप्शन में, फेवरेट ऑप्शन के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आप अपने को फ्यूचर में सेलेक्ट करोगे तो फ्यूचर में इतने सारे कॉइन्स आ गए यहाँ पर आपने फेवरेट में जो लगा रखे होंगे। ठीक है, एंड स्पॉट में भी जो आपने लगा रखे होंगे, इसके बाद हम स्पॉट फ्यूचर के बारे में बात करेंगे डिटेल में। सो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि हर एक पॉइंट कवर करूँगा एंड हर एक पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हर एक पॉइंट का मतलब होता है। ठीक है, स्पॉट में बात कर लेते हैं, स्पॉट में देखो पेयर आ गए, यहाँ पर आपको BSD का पेयर, USDT का पेयर, BNB का पेयर, बिटकॉइंस का पेयर, अल्ट कॉइंस का पेयर, फियाट का कॉइन, सब पेयर दिख रहे हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं USDT, देखो ये जो मार्केट में स्पॉट हो गया। अब इसके बाद कर लेते हैं स्पेसिफिक स्पॉट का मतलब क्या होता है। देखो स्पॉट मतलब ये हो जाता है कि हम जो बिना लिवरेज की ट्रेडिंग करते हैं, जैसे बोल देते हैं एक इन्वेस्टमेंट टाइप का। ठीक है, अगर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम लोग स्पॉट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक, तो यही स्पॉट में फ्यूचर में डिफरेंस होता है। फ्यूचर मतलब ये हो जाता है, जैसे सपोज करो हम फ्यूचर में करते हैं तो फ्यूचर में सेम यही कॉइन्स आते हैं USDT। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है कि फ्यूचर में हम लोगों को लिवरेज मिल जाता है, जिसका हम लोग इंटर ट्रेडिंग बोल सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग बोल सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हैं, यानी कि हम जो लिवरेज लेकर करते हैं उससे हम फ्यूचर ट्रेडिंग बात करते हैं। तो स्पेसिफिक मैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट तो स्पॉट में करता हूँ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ स्पॉट के बारे में। तो यहाँ पर देखो BSD के कॉइन्स पेयर होंगे, आपकी USDT के कॉइन्स USDT के पेयर हो जाएंगे, BNB के पेयर्स होंगे, बिटकॉइंस के पेयर, ऐसे सारे पेयर्स मौजूद हैं। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं USDT के पेयर्स बाय करते हैं। आपको BNB के पेयर बाय करना, BNB कर सकते हो, जनरली लोग BSD या फिर USDT बाय करते हैं। USDT डॉलर होता है, BSD एक पेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर USDT में देखो बिटकॉइंस आ गया, इथेरियम आ गया, BSD आ गया, सोलाना, ऐसे सारे करके कॉइन्स हैं आपके, 100-200 कॉइन्स यहाँ पर बाइनेंस में मिल जाएंगे जो कि टॉप कॉइन्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो मैं आपको बात कर दूँ बिटकॉइंस की, तो बिटकॉइन से पहले देख लें, सपोज करो हमने बिटकॉइंस को बाई करना है स्पॉट में, तो यहाँ पर बिटकॉइंस का देखो चार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे 15 मिनट आ गया, 1 आवर आ गया, 4 आवर आ गया, 1 डे आ गया, फिर मोर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए आ जाता है। सपोज करो हमने 15 मिनट कर दिया टाइम फ्रेम। ठीक है, मैं यहाँ पर बात करूँ ये टाइम फ्रेम जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखो बाइनेंस का प्राइस, सॉरी बिटकॉइंस का प्राइस चल रहा है कि ये बिटकॉइंस का इतना प्राइस है, ऊपर डॉलर में दे रखा है और नीचे हम लोगों का INR में दे रखा है क्योंकि डॉलर का पेयर है। ओके, अब यहाँ पर दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो कुछ इंडिकेटर दे रखे हैं, यहाँ पर मूविंग एवरेज है, EMA है, बोलिंजर बैंड है, यहाँ पर वैल्यूम है, तो कुछ ऐसे यहाँ पर इंडिकेटर दे रखे हैं। तो आपको देखो यहाँ पर केवल एक या दो इंडिकेटर लगा सकते हो, 3 इंडिकेटर लगा सकते हो, बट हमेशा एक बात याद रखना, बाई सेल आप मोबाइल से ही करना, बट चार्ट आपको हमेशा लैपटॉप में ही देखना है। मैं कभी चार्ट यहाँ पर नहीं देखता, हमेशा जब भी टेक्निकल एनालिसिस करना होता है मैं लैपटॉप में ही ओपन करता हूँ क्योंकि यहाँ पर इंटरफेस उतना अच्छा नहीं होता। एंड आप चार्ट में जाओगे और उसमें वेब में जाओगे लैपटॉप के वेब में, तो वहाँ पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको बाइनेंस के अंदर ही ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन आ जाता है, तो वहाँ पर आप जाओगे तो फिर वहाँ पर आप इजीली ट्रेड करके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बाय सेल करने का। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोगों को स्पॉट में कोई भी कॉइन्स बाय करना है, यहाँ पर बिटकॉइंस का हमने ओपन कर रखा है तो हमें सपोज करो बिटकॉइंस बाय करना है, तो यहाँ पर जस्ट हमें बाय का क्लिक कर देना नीचे जो दिख रहा है। एंड यहाँ पर देखो बाय कितने ऑप्शन आ गए, अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं बाय करने का क्या होता है। देखो
यहाँ पर आपको बाई का दिख रहा होगा, यहाँ पर सेल का दिख रहा होगा। अगर बाई करना है तो जस्ट बाई में क्लिक है, एंड सेल करना है तो आपको बस आपको सेल में क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाई सेल तो कर ही नहीं सकते जब तक हमने कोई बाई किया हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिवरेज ट्रेडिंग तो होती नहीं। स्पॉट मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब कि हम लोगों के पास जो होता है बाई करने का ऑप्शन होता है, शॉर्ट करने का ऑप्शन नहीं होता स्पॉट में, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम बाई करेंगे बिटकॉइंस। तो यहाँ पर देखो एक चीज़, यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कॉलम, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं क्या क्या कॉलम है बाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैंने क्लिक किया तो लिमिट का ऑप्शन आ गया, मार्केट का ऑप्शन आ गया, स्टॉप लिमिट का ऑप्शन आ गया, ट्रेलिंग स्टॉप का ऑप्शन आ गया, ओसीओ का ऑप्शन आ गया। जनरली देखो हम लोगों का क्या काम होता है, हम लोगों का काम केवल होता है लिमिट ऑर्डर का और मार्केट ऑर्डर का। मैं जनरली यही यूज़ करता हूँ, तीसरा ऑप्शन यूज ही नहीं करता है ना। अब यहाँ पर देखो आपको भी यही यूज़ करना है, लिमिट यानी कि जिस प्राइस पर आपको बाई करना है वो लिमिट लगा दो। अगर आपको वो जिस प्राइस अभी चल रहा है जो मार्केट प्राइस, अगर उसी प्राइस पर बाई करना है तो जस्ट आप मार्केट में क्लिक कर दो तो मार्केट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं 20,082.87 मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं कि सपोज करो कि 20,000 रुपये में, ठीक है। सपोज करो जब बिटकॉइन 20,000 रुपये में आएगा तो मैं बाई कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर देखोगे 20,000 लगाओगे तो ऊपर आपको दिख जाएगा कितना रुपये चल रहा है। तो यहाँ पर आपको कितने बिटकॉइंस बाई करने हैं, ठीक है। आप लोगों तो काफ़ी लोग क्वेश्चन होते हैं कि सर बिटकॉइंस कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि एक बिटकॉइन तो लाखों रुपये मिलता है, तो हम लोग USDT से बाई करना है कैसे कर सकते हैं। देखो इसका सोल्यूशन क्या है कि यहाँ पर आप क्या करो कि आप अपने USDT डाल दो। सपोज करो आपके पास अगर $100 है तो यहाँ पर $100 दें, यहाँ पर इनसफिशियंट बैलेंस बता रहा है क्योंकि ये मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, तो वहाँ से मैं आपको डेमो अकाउंट से बात कर रहा हूँ, ओके। सपोज करो आपके पास अगर $100 होंगे तो आप $100 जस्ट क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि देखो $100 में इतने बिटकॉइंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि हाँ इतने मेरे को डॉलर है, उतने डॉलर का आप बाई कर सकते हो। सपोज करो मेरे को अब $10 का बाई करना है तो $10 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक $10 या $8 के ऊपर ही बाई कर सकते हो, इसके कम बाई नहीं कर सकते, ये बाइनेंस का होता है, ठीक है। तो 80-100 रुपये में कोई नहीं बाई करता, जिसको इन्वेस्टमेंट करना होता है वो 500 के ऊपर ही बाई करता है, 1,000 रुपये के ऊपर ही बाई करता है। तो आप इन्वेस्टमेंट ऐसे कर सकते हो। लिमिट को बता दिया, मार्केट बता दिया। अब मार्केट में बाई कर लेते हैं तो मार्केट में क्या होगा, बिटकॉइंस का जो भी प्राइस चल रहा होगा तो उसी प्राइस में हम लोगों को सपोज करो $100 बाई करना है तो $100 हम लिख देंगे, एंड यहाँ पर बाई BTC क्लिक कर देंगे तो बाई BTC हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर अभी इनसफिशियंट बैलेंस बता रहा है क्योंकि हमारे पास बैलेंस नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास बैलेंस होगा तो बाई होगा आराम से, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्पॉट का। अब देखो आपको स्पॉट में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर दिख रही होंगी, यहाँ पर मेन्यू में कन्वर्ट का, स्पॉट का, मार्जिन का, फियाट का, P2P का, तो यहाँ पर अभी कोई यूज नहीं इसका, तो यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो ये हो गया जनरली स्पॉट में। अब जैसे आपको कोई भी कॉइन्स बाई करना है, इथेरियम बाई करना है, इथेरियम सेलेक्ट करो एंड ये हो गया। अगर आप इथेरियम बाई कर रखे हो, आपको सेल करना है तो जस्ट आपको सेल में ऑप्शन करना है, सेम वही प्रोसेस सब में हो गया, ठीक है। अगर इसमें देखो सेल करने का ये भी, अब बाई सेल करने का एक और फीचर हो जाता है कि आपको 25% सेल करना है तो 25 पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर 50% सेल करना है, 75% सेल करना है, 100% सेल करना है, तो ये भी कर सकते हो, या फिर अपना इंडिविजुअल डाल सकते हो कि मुझे इतने डॉलर का सेल करना है, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब फिर दोबारा आ जाते हैं मार्केट में। अब मार्केट में ही देख लेते हैं, स्पॉट को हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जिसके लिए हम वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पूरी इसमें जानकारी अपलोड कर रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ आपको उस बात समझ में आ जाए। बाइनेंस का फीचर एंड बहुत सिंपल होता है बाइनेंस का फीचर। स्टार्टिंग में आपको जरूर लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। मैं स्टार्टिंग में आया तो मुझे भी काफ़ी डिफिकल्ट लगा था, बस मैं करते करते करता गया तो मेरे को बहुत सिंपल सा लगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब देखो यहाँ पर चलते हैं फ्यूचर पर। आप देखो यहाँ पर फ्यूचर में आप यहाँ पर देखोगे तो आपके दो पेयर दिख रहे होंगे यहाँ पर, USDTM CoinM को। तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, हमें केवल USDTM पर ही क्लिक करना है। तो हम जो कि हमारा USDTM पर क्लिक है, अब यहाँ पर देखो फिर वही पेयर आ गए, बिटकॉइन USDT, बिटकॉइन USDT, क्योंकि USDTM का मतलब ये हो जाता है कि हम लोगों को USDT के पेयर मिल जाएगा। CoinM क्या मिल जाता है कि हम लोगों को कॉइन के पेयर मिल जाएंगे, बिटकॉइन USD, बिटकॉइन USD, ये अलग फीचर होता है, इसके बारे में कभी बात करेंगे। तो USDTM का मतलब यही होता है कि डॉलर। अब हमें फ्यूचर ट्रेड, सपोज करो बिटकॉइंस में हमें फ्यूचर ट्रेड करना है, ठीक है, बिटकॉइंस हमें बाई करना है, तो सेम वही इंटरफेस आ गया। अब बाई करने के लिए आपने लैपटॉप में देख लिया कि इस प्राइस पर हमारा एंट्री होगा और इस प्राइस पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब सपोज करो कि हमारा एंट्री हमने बाई करना है, तो बाई पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर देखो बिटकॉइन USDT का पेयर आ गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा USDM का, और एक चीज़ यहाँ पर देखो क्रॉस दिख रहा होगा, ठीक है, इसके बाद 9S कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि काफ़ी लोग ना इस चीज़ को ध्यान से समझते नहीं हैं और वो गलतियाँ कर बैठते हैं और उनका फंड लिक्विडेट हो जाता है। तो पहली बात, आपको यहाँ पर क्रॉस दिख रहा है एंड आइसोलेटेड दिख रहा है। तो पहली बात हम देख लेते हैं कि क्रॉस का मतलब क्या होता है, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है।
तो यहाँ पर क्रॉस का मतलब ये होता है कि हम लोग अगर बिटकॉइन हमारे अकाउंट में अगर $100 हैं और हम $10 का बिटकॉइन से बाई कर रहे हैं, तो $90 जो बचे हैं वो भी हमारे अकाउंट से यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड होते जाएंगे जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला होगा। यानी कि आपका फंड जितना भी कैपिटल पड़ा है फ्यूचर में मार्केट फ्यूचर ट्रेड में पड़ा है, जितना भी कैपिटल $100 $500 $1,000 वो सब फंड यूज होगा बिटकॉइंस में। अगर क्योंकि मार्केट आपको जब तक आपके पास कैपिटल है तब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाएगा, यानी कि एक टाइप का एवरेज हो गया। तो ये इसे हम गैम्बलिंग बोल देते हैं, ठीक है। मेरे को तो गैम्बलिंग ही लगता है, ट्रेडिंग उसे नहीं बोलते हैं जो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करता है, वो ट्रेडिंग नहीं वो गैम्बलिंग है। तो यहाँ पर आपको क्रॉस में कभी भी सरेंडर नहीं करना। आप सोचोगे बाइनेंस में क्यों फ्यूचर दे रखा है, कि बाइनेंस मेरे को फैसिलिटी देता है, आपका काम है कौन सी फैसिलिटीज़ को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना। तो यहाँ पर कभी भी क्रॉस का यूज़ मत करना। काफ़ी लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, अगर $500 होगा तो जस्ट वो क्रॉस में बाई कर लेते हैं $100 का, इसके बाद मार्केट धीरे नीचे जाता जाता है तो अब ऐड होता जाता है, मनी ऐड होता है। उससे पूछो तो बोलते हैं कि मेरा पैसा ऐड होता जाएगा, मेरा कभी लॉस ही नहीं होगा। अब सपोज करो जैसे इस समय मार्केट चल रहा है, अगर किसी ने 5-6 महीने पहले बाई किया होगा तो उसका तो पूरा फंड ही लिक्विड हो जाएगा। कितना पैसा आप रखोगे अकाउंट में, 4 लाख भी 10 लाख भी रखोगे ना, तब भी आप तक का लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इतना डंप जा चुका है। तो कभी भी गलती मत करना, ओके। आपको हमेशा आइसोलेटेड में क्लिक करना है, इसके बाद कंफर्म कर देना। तो यहां पर देखो आपको आइसोलेटेड मिल गया, समझ गए ना। तो यहाँ पर ये गलतियाँ मत करना। इसके बाद यहाँ पर आपको देख रहा होगा 9x ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये आपका लिवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक पेयर में अलग अलग लिवरेज मिलता है। बिटकॉइंस और इथेरियम में स्पेशली 125x का लिवरेज मिलता है, एंड लिवरेज के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कितना लिवरेज लेना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं, आपको अभी जनरली 10x तक लिवरेज ले सकते हो, 10x की ज़्यादा लिवरेज नहीं लेना कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10x जस्ट आपको टाइप कर देना है, 10 यहाँ पर कन्फर्म कर देना, तो 10x का लिवरेज हो जाएगा, ओके। तो ये चीज़ होगी बाई करने के लिए। अब सेम फीचर स्पॉट की तरह यहाँ भी आ गया, देखो इसमें लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर आ गया, लिमिट का ऑप्शन आ गया, पोस्ट ओनली का ऑप्शन आ गया, मार्केट का ऑप्शन आ गया, स्टॉप लिमिट का ऑप्शन आ गया, स्टॉप मार्केट से बहुत सारे ऑप्शन आ गए। बट हमारे जनरली के लिए क्या यूज़ करना है, लिमिट और मार्केट, ठीक है। तो अगर हमें लिमिट में बाई करना है, सपोज करो 19,982 पर मार्केट चल रहा है एंड हमें बाई करना है 19,000 रुपये में, सपोज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 19,000 रुपये डाल देंगे, एंड हम लोगों को अब क्या करना है कि कितने डॉलर का बाई करना है। हमने तो बाई कर लिया कि नहीं बिटकॉइन, हमें इस प्राइस पर बाई करना है। अब कितने डॉलर का बाई करना है, सपोज करो हमें $100 का बाई करना है, तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे $100, ठीक है। तो $100 का जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा कन्फर्म करेंगे तो वो हो जाएगा बाई, ठीक है। ऐसे सिंपल बाई कर देना है, एंड लिमिट में देखो यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, जो बाई किया एंड यहाँ पर कन्फर्म हो गया, तो यहाँ पर इनसफिशियंट बैलेंस आ गया क्योंकि बैलेंस नहीं। अगर आपके पास बैलेंस होगा तो यहाँ पर लिमिट में है, तो यहाँ पर चला जाएगा ओपन ऑर्डर्स में, पोजीशन में नहीं जाएगा, ओपन ऑर्डर में लिमिट में जाएगा। जब भी मार्केट 19,000 पर जाएगा बिटकॉइंस, आपका बाय हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ऐसे हम लोग फ्यूचर में बाय करते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं मार्केट प्राइस में जो चल रहा है उसी प्राइस में बाय करना है, तो हम मार्केट में क्लिक करेंगे एंड जस्ट डाल देंगे $100 का, तो जितना भी बिटकॉइन जो भी प्राइस में चल रहा है वो $100 का बाय हो जाएगा तुरंत। और यहाँ पर आपको पोजीशन में दिखाने लगेगा, ये जो चल रहा है ना यहाँ पर आपको पोजीशन में ट्रेड दिखाने लगेगा, पीएनएल प्रॉफिट और लॉस का, ओके। तो ये ऐसा दिखाने लगेगा। तो यहाँ पर चलो हम थोड़ा सा बाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हम लोग $11 का बाई कर लेते हैं बिटकॉइंस, ओके। एंड हम बाई कर लेते हैं शॉर्ट का, ओके। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपके डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई एनालिसिस तो किया नहीं, बना रहा हूँ वीडियो। तो चलो एक शॉर्ट का ऑर्डर नेशनल कनेक्ट भी $20, चलो $20 से कम इसमें बाई नहीं होता, तो $25 कर लेते हैं। एंड यहाँ पर एक हो गया शॉर्ट का, तो यहाँ पर हमने देखो पोजीशन चल रही है आपकी शॉर्ट की। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ ध्यान से। यहाँ पर देखो ओपन ऑर्डर नहीं गया क्योंकि हमने मार्केट प्राइस पर बाई किया है, ओके। अब यहाँ पर देखो पिन दिखा देता हूँ कि कैसे प्रॉफिट और लॉस चलता है, यहाँ पर आप कैसे देख सकते हो। तो ध्यान से देखो, मैंने बहुत कम अकाउंट में डाल रखा है इसलिए पीएनएल का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है डॉलर में, बट आप देख सकते हो शॉर्ट में अभी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो कि यहाँ पर चल रहा है पीएनएल, ये आपका डॉलर चल रहा है, 0.0 डॉलर का, 0.02 डॉलर का लॉस चल रहा है, ठीक है। ये आपका ROI चल रहा है, यहाँ पर आपका ROI चल रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। यहाँ पर ROE चल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइज दिख रहा है, मार्जिन दिख रहा है, रिस्क दिख रहा है, तो ये सब दिखेंगे फ्यूचर आपको बिटकॉइंस में, ना कि हर एक ट्रेड में, फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसे पिनल दिखता है। अब देखो आप देखते होगे यूट्यूब में स्टोरी में काफ़ी कि लोग पिनल शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, जैसे मैं शो करता हूँ कि मेरे इतना प्रॉफिट परसेंटेज बना, परसेंटेज कैसे लोग शो करते हैं वो, है ना, एंड कैसे सब कुछ शो होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ओके।
तो यहाँ पर देखो आपका दिख रहा होगा कि हाँ आइसोलेटेड है, 10x का हम लोगों को लीवरेज मिला है, यहाँ पर आपको सिंपल सा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखो, यहाँ पर जैसे आइसोलेटेड 10x का दिख रहा है, बिटकॉइन का पेयर दिख रहा है, ओके मार्जिन दिख रहा है कि आपका $1.9 का यूज हुआ है, एंड 10x लीवरेज के साथ साथ आपका $20 का पूरा पोर्टफोलियो हो गया है, यानी समझ रहे हो आप, मेरे पास खुद का अकाउंट है, 1.99 मेरा खुद का डॉलर यूज हुआ है, एंड क्योंकि 10x का मैंने लीवरेज दे रखा है, तो $20.1 का टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट हो रखा है। ओके, अब यहाँ पर जो आप देखते हो कि पीनल कहाँ दिखता है, तो यहाँ पर आप देखो एक ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐसा कुछ शेयर टाइप का, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखो आपको दिख जाएगा, तो जस्ट आपको डाउनलोड कर लेना सेव इमेज में, वो आपकी गैलरी में पहुँच जाएगा, बस आपको यही पीनल दिखाया जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये ऐसा होता है, इसको हम लोग बंद कर दे रहे हैं ट्रेड को, क्योंकि ये ऐसे ही ट्रेड जैसे आपको। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अब देखो यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस मार्केट सब कैसे लगाते हैं टारगेट, यहाँ पर ध्यान से देखो। अब यहाँ पर देखो हमारा काम होता है स्टॉप प्रॉफिट और लॉस में, अगर हमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है तो हम लोगों को इस कॉलम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमने क्लिक किया, अब ऐसा कुछ इंटरफेस आ गया, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन पर जाना है, पोजिशनल टीपी वर्सेस स्टॉप लॉस का। अब यहाँ पर देखो हमें जहाँ भी टारगेट लगाना है, सपोज करो हमें टारगेट लगाना है 20,000 पर, हमारा टारगेट है एंड हमारा स्टॉप लॉस है क्योंकि हमने शॉर्ट किया है, तो चलो हमारा टारगेट हो गया 18,000 का, ठीक है, जस्ट ऐसे रैंडम कर दिया, एंड हमारा स्टॉप लॉस हो गया 20,000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़, क्योंकि हमने किया है आई थिंक शॉर्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हो गया 20,000, चलो 20,000 कर लेते हैं, है ना, एंड टारगेट हो गया हमारा 18,000 का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ऐसे मैंने रैंडम ले लिया, बाकी आपको टेक्निकल इससे पता लग जाएगा कि टारगेट आप स्टॉप लॉस कितना होना है। अब यहाँ पर देखो आपको एक और फैसिलिटी मिलती है बाइनेंस की तरफ से, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये क्या है कि यहाँ पर देखो आपको जैसे ही फिल करोगे टारगेट और स्टॉप लॉस का प्राइस, तो आपको दिख जाएगा कि आपका इतना डॉलर का लॉस होने वाला है, इतने डॉलर का प्रॉफिट होने वाला है। वैसे आप एक्सेल सीट को फॉलो करोगे तो वहाँ भी आपको दिखता होगा, जो अगर मेरे स्टूडेंट हो गए या मेरे यूट्यूब वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं कैसे टारगेट स्टॉप लॉस डिफाइन करके पता है कि नहीं इतना प्रॉफिट होगा इतना स्टॉप लॉस होगा, मुझे ट्रेड करने से पहले ही पता लग जाता है, ठीक है। स्पेशली स्टॉप लॉस तो पता ही लग जाता है कितना स्टॉप लॉस होने वाला है, कितना रिस्क मेरा होने वाला है। तो यहाँ पर आपको सेम अगर यहाँ फिल करोगे तो आपको पता लग जाएगा नहीं इतना स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर एक बार और कन्फर्मेशन मिलेगा कि नहीं वाकई इतना मेरा स्टॉप लॉस है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देख लो एक और चीज़ बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारा फ्यूचर ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड के बारे में हो गया, यही हमारा फ्यूचर ट्रेड के बारे में होता है यूज़। अब यहाँ पर एक और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर डैशबोर्ड देख लेते हैं, यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर कैंडल में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जस्ट वही ऑप्शन आ जाएगा, बिटकॉइंस का चार्ट आ जाएगा। तो इस फिर वही बात कर रहा हूँ कि आपको हमेशा चार्ट हमेशा हमेशा आपको लैपटॉप से ही देखना है, यहाँ पर बस एक ट्रेड लेने के बाद जस्ट आप चेक कर सकते हो, जैसे कहीं आप बाहर घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो आप लैपटॉप तो लेके जा नहीं सकते हो, यहाँ पर जस्ट चार्ट देख सकते हो ड्रिल लेने के बाद कि हाँ क्या देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से मैं देखता हूँ मोबाइल में, बाकी एनालिसिस मेरा हमेशा चार्ट में ही होता है, सॉरी लैपटॉप में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें रेड ही चल रहा है, ग्रीन नहीं चल रहा है, क्योंकि देखो मैंने रैंडम ट्रेड किया है, ग्रीन भी हो सकता है रेड भी हो सकता है, जस्ट मैंने शॉर्ट कर दिया, देखो अभी ग्रीन चल रहा है तो मैं जस्ट मैंने शॉर्ट कर लिया, चलो इसको हटा देते हैं क्योंकि $0 चल रहा है, तो ना लॉस होना चाहिए भाई का ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो अकाउंट तो है नहीं। अब देखो एक और चीज़, मैंने एक ट्रेड लिया आपके सामने, अब यहाँ पर देखो आपको कुछ कॉपी टाइप का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखो कॉपी टाइप का, तो यहाँ पर हम जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए, ये देखो मेनू में आ गए ना काफ़ी सारे ऑप्शन। अब इनका देखो क्या मतलब होता है, ओपन ऑर्डर जाओगे तो जो भी आपका पोजीशन चल रही है वो दिखाएगा, ऑर्डर हिस्ट्री में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि आपने कब बाई किया कितना बाई किया सबको दिख जाए। तो देखो जैसे इसमें दिखा दिया कि $19.99 मैंने बाई किया है, एंड कितने प्राइस पर बाई किया 19,985.40, एंड सेल किया 19,980.60 पर मैंने शॉर्ट किया था तो बाई कर लिया, यानी कि मेरा एक पोजीशन हो गया, ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पर दिख गई। अब कितना हुआ प्रॉफिट कितना लॉस हुआ वो कहाँ दिखेगा, वो आपको दिखेगा ट्रेड हिस्ट्री में, ये हो गया देखो आपका ट्रेड हिस्ट्री, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा है ना, कोई कोई बंदे यहाँ पर भी शेयर करते हैं, तो यहाँ पर मैं भी शेयर करता था कभी भी और अभी भी करता हूँ, तो यहाँ पर देखो बाई आपने किया तो बाई में सॉरी आपने शॉर्ट किया था तो कितना आपका फी कटा, यहाँ पर आपको फी दिख गया कि नहीं मेरा इतना फी कटा $0.0079 का, एंड इसके बाद रिलीज पेनल कितना हुआ बाई करने के बाद, यानी मैंने जो पोजीशन मेरी क्लोज की तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिख गया कि ये रिलीज पेनल है यानी कि 0.004 है, तो एक टाइप का मान सकते हैं कि इतना मेरा प्रॉफिट हुआ। ओके,
तो ये सारी चीज़ें, कितने प्राइस पर मैंने बाई किया, तो ये प्राइस पर बाई किया, कितने प्रॉफिट पर मैंने सेल किया, इस प्राइस पर सेल किया। तो ये हो गया अपना कुल मिलाकर बाइनेंस का फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, जो कि डिटेल में मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद और काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोगों को मतलब नहीं है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो किसी और वीडियो में ट्राई करूँगा बताने का, बाकी इतना ट्रेडिंग के लिए इनफ है, आप इतने में ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके बाद कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ जस्ट आपको कॉइन एम में नहीं करना, आपको हमेशा यूएसडीटी एम में करना है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वॉलेट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरा फ्रेंड का अकाउंट है तो यहाँ पर उसके देखो वॉलेट में दिख जाएगा कि कितना फंड किस में पूरा रख रखा है, यानी ऐड हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओवरव्यू दिख गया, ओवरव्यू मतलब कि यहाँ पर स्पॉट और फ्यूचर दोनों ऐड हो गए, कि स्पॉट और फ्यूचर दोनों मिलाकर पूरा टोटल मिला के मोबाइल में, यानी बाइनेंस में आपके कितना पैसा कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर इसकी बात करें तो फ्रेंड तो यहाँ पर इसने कहाँ पर डाल रखा है, इसमें पूरा दिख रखा है कि यहाँ पर इसके टोटल 520.39 डॉलर 39 रुपये हैं, एंड आपकी यूएसडीटी एम फ्यूचर में 512 रुपये हैं, स्पॉट में कुछ 8 रुपये हैं, इसके बाद फंडिंग में है, इस क्रॉस में, ये तो आपके पास भी नहीं होंगे एंड मेरे पास भी नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिख जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट आपको स्पॉट में जाना है, तो स्पॉट में दिख जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट में कितना, कौन से कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसका पीनल भी आपको दिखना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पीनल दिख जाएगा कि देखो ये पीनल है स्पॉट का, एंड कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जस्ट ओपन हो गया, एंड ऐसा कुछ आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई, एंड यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखो, यहाँ पर सारे कॉइन्स आ गए कि कितने कितने कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आपको क्या करना है, फ्यूचर में जाना है, तो फ्यूचर में आपको दिख जाएगा कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रखा है। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर आपको दिख गया कि मेरा टोटल बैलेंस इतना है फ्यूचर में, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर एसेट में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि किस किस डॉलर, इसमें देखो फ्यूचर में 6.4 डॉलर का फ्यूचर है, इतने कॉइन्स सॉरी इतने डॉलर पड़े हैं 6.4 डॉलर फ्यूचर में एसेट में, ठीक है। अडा में है, बीएनबी में, ऐसे मतलब कि आप डालोगे तो इसमें आपको एसेट में दिख जाएगा कितने इतने कॉइन्स में डाल रखा है, फ्यूचर ट्रेड चल रहा है। ओके, पोजीशन दिखा देगा कि जो भी आपकी पोजीशन चल रही होगी उस हिसाब से आपको पोजीशन दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ हो गई, एंड यहाँ पर आप जस्ट जैसे मैं पिनल दिखाता हूँ तो पिनल आपको कहाँ दिख जाएगा, यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जस्ट क्लिक करोगे 12 डेज को इसमें दिखेगा, आपको पूरा पिनल दिख जाएगा, जो भी आपको पिनल दिखना होगा, तो जितने भी दिन का पिनल दिखना होगा। तो यहाँ पर यूएसडीटीएम हो गया, तो यहाँ पर अगर आपको पिनल देखना है 10 वीक का तो 10 वीक का दिख जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको 1 महीने का दिखना है तो 10 मंथ का दिख जाएगा, ठीक है। एंड चलो ये 10 मंथ का हो गया, अब इसको कर लेते हैं एक बार हम लोग, देख लेते हैं कितना पिनल दिख रहा है, ठीक है। फ्रेंड का इसमें कोई, उसने 2 साल से आई थिंक ट्रेड ही नहीं किया, पता है मुझे ट्रेड करता है कि नहीं करता, उसने लगभग ट्रेड ही नहीं किया, देखो 0.0 तो क्या ही, 0.0 ट्रेड ही नहीं करता होगा किसी चीज़ का, है ना। तो ये आपको पिनल दिख जाएगा कि देखो इतना आपका, इसमें क्लिक करोगे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ये ऑप्शन में क्लिक करोगे, एक ये ऑप्शन में क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो गया, कितना विन रेट है, तो हिसाब से आपको पिनल पूरा दिख जाएगा, जो कि आपको देखना चाहिए। ये एक टाइप का हो जाता है आपका रिव्यू करने का, कि मेरा प्रॉफिट लॉस कितना चला मुझे पता तो चले, बाकी आपको जनरल बना के कॉपी पर भी रखना है, ठीक है। तो ये सब पिनल हो गया। अब देखो मेन बात कर लेते हैं हम लोग, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना ना। एंड देखो मैं इस वीडियो में सोच रहा हूँ कि हर एक टॉपिक कवर कर दूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं यार ये चीज़ नहीं बताई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग विड्रॉल कैसे करते हैं, P2P के थ्रू हम लोग विड्रॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखो फंडिंग में जाएंगे, अब हमें क्या करना है, देखो कभी भी डिपॉजिट और विड्रॉल करना है हमें अगर बाइनेंस में, तो हमें हमेशा फंडिंग में ही पैसा डालना पड़ेगा, पहले फंडिंग में। अगर सपोज करो हमारे पास स्पॉट में पैसा है या फ्यूचर में पैसा है, तो स्पॉट से फ्यूचर में क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें जस्ट ट्रांसफ़र में क्लिक करना है, एंड हमें ट्रांसफ़र करके कहाँ डालना है, अपने फंडिंग में, ठीक है। अगर हमें बाई सेल करना है तो USDT डॉलर यानी कि बाई सेल करना है, तो हमें फंडिंग में पैसा डालना है, ये स्पॉट से होगा फंडिंग में और फ्यूचर से फंडिंग में होगा। तो सपोज़ करो हमारे पास फ्यूचर में पैसा है, तो हमने यहाँ पर जस्ट क्लिक किया, सॉरी यहाँ पर हाँ USDTM फ्यूचर, एंड यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया आइसोलेटेड मार्जिन, चलो ये दूसरा हो गया, इसको पहले हम कॉइन्स कर लेते हैं, USDTM कॉइन्स का हो गया, इसको ऊपर कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हो गया स्पॉट का, सपोज कर लो हमारे भी स्पॉट पर है, एंड हमें कहाँ पर करना है फंडिंग में, तो ये फंडिंग का ऑप्शन आ गया। तो देखो ये फंडिंग का, तो यहाँ पर हाँ एक चीज़ और मैं थोड़ा सा गलती मैंने बता दिया,
आपको हमेशा पैसा स्पॉट से फंडिंग में ही पड़ेगा। आपके पास फ्यूचर में पैसा है तो फ्यूचर से पहले स्पॉट में डालो कन्वर्ट करके, फिर स्पॉट से आपको फंडिंग में डालना है। आप डायरेक्ट फ्यूचर से फंडिंग में नहीं डाल सकते। सो उसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बता दिया था। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो आपके पास फ्यूचर में पैसा है, अब आपको पहले आपको डालना है ये फ्यूचर में पैसा, आपको डालना है स्पॉट में। तो यहाँ पर जो GTM से स्पॉट में चला जाएगा, डॉलर सिलेक्ट करोगे तो ठीक है, आप इसमें मैक्स में क्लिक करोगे तो कन्वर्ट कन्फर्म ट्रांसफर करोगे तो आपके स्पॉट में चला जाएगा। अब स्पॉट में चले जाने के बाद सपोज करो चलो डाल लेते हैं, स्पॉट में चला गया ट्रांसफर, यहाँ पर देखो डॉलर आ गया। ठीक है, आ गया ना डॉलर 512.19 डॉलर यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ आ गया। अब क्या करना है, अब स्पॉट से आपको फंडिंग में पैसा ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पॉट से फंडिंग में किया, USDT किया, मैक्स किया। ठीक है, जितना भी आपको मैक्स करना है या फिर आपको कुछ सपोज करो 100 डॉलर है, 100 200 डॉलर, तो यहाँ पर फ्री कर देना। तो मेरा मैक्स हो गया तो कन्फर्म ट्रांसफर कर। अब देखो यहाँ पर फंडिंग में मेरा पैसा आ गया, आ गया ना फंडिंग में पैसा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना फंडिंग में इतना आ गया। अब आपको P2P के थ्रू बाई सेल करना है डॉलर। ठीक है, ट्रेड करने के लिए सपोज करो हमें बाई करना है P2P, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे P2P। क्लिक किया, कहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, चलो एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका P2P का। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हमने क्लिक किया P2P। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन आ गया बाई सेल USDT, तो हमें USDT ही बाई सेल करना है। अगर आपको बिटकॉइन बाई सेल करना है तो आप चूज़ कर सकते हो पेयर, तो यहाँ पर बिटकॉइन USDT हमें बाई करना है। तो यहाँ पर देखो आगे सारे बायर सेलर, यहाँ पर देखो सिर्फ सब बायर सेलर हैं। ठीक है, एंड लास्ट तक वीडियो देखना, एक और आपको मिथ क्लियर हो जाएगा, जो काफ़ी लोग P2P के बारे में सोचते हैं कि कहीं पैसा लेकर कोई भाग नहीं, तो उसके बारे में भी आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ हर एक चीज़ जल्दी से जल्दी कवर करने का और डिटेल में बताने का। ओके, तो वीडियो को 2 से 3 बार, 4 से 5 बार देखो, ट्राई करो कि कैसे ट्रेड करते हैं बाय समय, तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर हमें बाई करना है कोई भी, ठीक है, डॉलर, तो हमें सपोज यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ दिख गया कि यहाँ पर उस बायर का नाम आ गया नितिन, जो भी नाम है इसका सर नित्यान डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर उसका प्राइस आ गया कि 82.99 रुपये पर वो हर एक डॉलर, मतलब कि डॉलर बाई करना है, 82.99 डॉलर उसका एक डॉलर का प्राइस है इसका। ठीक है, जिसने डाल रखा है कि हम इतने में ही बाई सेल करेंगे। इसके बाद क्रिप्टो अमाउंट यहाँ पर दिख रखा है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, सपोज करो आपके पास 100 डॉलर यानी कि 8,000 रुपये सपोज करो हैं अकाउंट में। ठीक है, अब आपको 8,000 रुपये बाई करना, तो यहाँ पर आपको हमेशा देखना पड़ेगा क्रिप्टो अमाउंट जहाँ जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आपको देखना है कि मेरे पास 8,000 रुपये कहाँ पर हैं, सपोज करो 10,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो बिटको नाम से एक बंदा है दूसरे नंबर में जो 83 रुपये पर दे रहा है, उसके पास लिमिट देखोगे तो आपके उसमें लिमिट दिख जाएगी 10,000 रुपये से 10,425 रुपये, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर अपना 10,000 रुपये आ गया। तो ये बंदा हमारे पास हमको दे सकता है USDT, क्योंकि हमको 10,000 रुपये की नीड थी। ठीक है, 10,000 डॉलर की हमें USDT खरीदनी थी, तो इसके पास 10,000 रुपये से 10,400 रुपये के डॉलर हैं, तो हम इससे बाई कर सकते हैं इतने रुपए पर। ठीक है, तो बाय यहाँ पर देखना है कि हमें कौन सा पेयर मिल रहा है, उस पेयर से हमें बाई करना है, क्योंकि वहाँ पर लिमिट होती है कि हम इतने से इतने रुपए के बीच में ही लोगों को दे पाएंगे, तो उस लिमिट में देखना है। जैसे हमने देख लिया कि 10,000 रुपये हमारे पास, तो अब जस्ट हमें करना है बाई, एंड यहाँ पर आ गया आपका नोट कर देना है हमें, सपोज करो हो गया 150 डॉलर, तो यहाँ पर आ गया कि 150 डॉलर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्वांटिटी कितनी है, हमारे पास पैसा है नहीं तो इसलिए नहीं दिख रहा है ऐसा। यहाँ पर क्रिप्टो में डालोगे तो क्रिप्टो में आ जाएगा, रुपए में डालोगे तो रुपए आ जाएगा। ठीक है, क्रिप्टो का मतलब कि डॉलर डालना है तो डॉलर आ जाएगा, एंड यहाँ पर रुपए में डालना है अमाउंट, तो सीधा आप 10,000 रुपये डाल दोगे तो आ जाएगा 10,000 रुपये। तो यहाँ पर 10,000 दे दीजिए कि एक 10,000 रुपये में 120 डॉलर.48 होते हैं, एंड 10,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आप जस्ट क्या करोगे, क्लिक करोगे बाई विथ जीरो फी, तो यहाँ पर दिख गया कि देखो आप बाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों क्यों नहीं बाई कर सकते, इसके पीछे देखो रीजन बताता हूँ। जस्ट आपको देखो क्या करना है, आप बाई करोगे बस वहाँ पर फंड ट्रांसफर करोगे, जो भी आप फोन पे गूगल पे UPI IDs ट्रांसफर करना चाहते हो वो किसी और वीडियो में देख लेना, यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियो पड़े हुए हैं कि P2P थ्रू बाई सेल कैसे करते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन आ गया नहीं बाई कर सकते आप। क्यों, पहली बात आपके पास जो आप सोचते हो कि P2P सिक्योर नहीं है, अगर सपोज करो मैंने किसी को पैसा भेज दिया, उसने फ़ोनपे में, मैंने फ़ोनपे में भेज दिया उसके फ़ोनपे में 10,000 रुपये का, अब वो डॉलर मान लो रिलीज ही ना करे, जिसमें जो विंडो चलता है 3-4 मिनट का, ठीक है, अगर रिलीज ही नहीं करेगा तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा, वो भाग जाएगा। लेकिन आप ऐसा कर ही नहीं सकता कोई बंदा, क्यों, क्योंकि अगर उसके पास बाइनेंस में 10,000 रुपये के डॉलर नहीं है, तो पहली बात वो बायर बन नहीं सकता, जैसे मैं नहीं बन सकता उसमें डायरेक्ट, जैसे मैंने बाई किया
ऑप्शन आ गया कि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, ठीक है वो आ गया। सॉरी ये तो दूसरा आया था क्योंकि मुझे बाय करना है, जैसे सेल करना होगा तो मेरे पास अगर 10,000 रुपये के डॉलर नहीं है तो उसमें आप सीधा बता देगा कि नहीं फंड ही नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ऐसे करना है, तो जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा अकाउंट में यानी कि बाइनेंस अकाउंट में, तब तक उतने रुपए का बाई सेल सेल ही नहीं कर सकते। सॉरी बाई तो हमें अकाउंट से ही बाई करना है, इसमें मंगाना है, बट सेल ही नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी ऐसा गंद ऐसा मतलब कि ये सब स्कैम नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़, मान लो उसके पास है बाइनेंस में पैसा 10,000 रुपये के डॉलर हैं, फिर भी वो नहीं भेज रहा, रिलीज नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें ऑप्शन आता है कि रिलीज करने का, लोग कन्फर्म कर दिया और मैंने रिलीज़ कर दिया, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, तो बाइनेंस ऑटोमेटिक उसके बाइनेंस अकाउंट से ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, उसकी टेंशन मत लो। बट जिसने ये गलती की है, जिसने समझदारी की है कि नहीं भाई साहब हम तो पैसा लेके भाग जाएंगे, ठीक है, सो अपने आप को बहुत ही सुमार खास समझाए, उसका बाइनेंस अकाउंट रेस्ट्रिक्ट कर देगा, दोबारा उस अकाउंट में ट्रेड नहीं कर पाएगा, और दोबारा उस अकाउंट से ट्रेड नहीं कर पाएगा, फिर कुछ भी जो पैसा ऐसा होगा वो चला चला भी जा सकता है। तो ऐसे ही आप भी गलती मत करना, कोई भी गलती ऐसा नहीं करता, जो करता है वो सस्पेंड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। एंड आई थिंक मुझे नहीं पता कि वो अकाउंट सस्पेंड होने के बाद उसका पैसा निकलता भी है कि नहीं निकलता, ठीक है, जो भी होगा वो उसकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता है। तो आई होप कि इतने वाले वीडियो में सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है, P2P के कैसे विड्रॉल डिपॉजिट करते हैं। एंड आप लोग क्या करो कि आप लोग स्पेशली P2P के बारे में अगर आपको पता करना है कि P2P में बाई सेल कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने फ्यूचर डेट के बारे में स्पेशली बताया है, डिपॉजिट कैसे करते हैं फंड P2P के थ्रू, तो इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। बट आप लोग ट्राई करो कि यार यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जस्ट उसमें टाइप करो यूट्यूब पर कि हाउ टू विड्रॉल डिपॉजिट थ्रू P2P बाइनेंस, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे वीडियो आए, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ यूट्यूब वीडियो से, क्योंकि मैं भी बिगनर था कभी, तो ऐसे आप सीख सकते हो, तो बहुत सिंपल है। एंड बाइनेंस में ट्रेड करो, अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं खुलाया बाइनेंस में तो अकाउंट डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, खुला लो, क्योंकि मैं एफिलिएट हूँ बाइनेंस का, सबको एफिलिएट लिंक नहीं मिलता, क्योंकि मैं 1 साल 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और प्रॉफिटेबल हूँ, तो बाइनेंस मेरे को एफिलिएट बना दिया, एंड आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी आप ट्रेड करोगे उसमें जो ब्रोकर रहेगा वो 20% को आपको ऑफ मिल जाएगा, तो काफ़ी पैसा बच जाएगा आपका अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर लोगे। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन कर लो, एंड जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बताओ उस, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें कि नहीं और कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में बात करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।